वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर चल रहा है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, तो प्लीज वीडियो क्लास तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता ही है। तो प्लीज वीडियो क्लास तक जरूर देखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन है। जब भी आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन होता है तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है? जब आपको पीवी रेशो आप कैलकुलेट करते हो तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया गया जब 1 साल का डेटा गिवन होता है तब कौन सा लगाते हैं, कमेंट में बताइए, सी अपॉन एस इंटू 100, ये वाला होता है। पर इस क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स गिवन है, 2005 और 2006। 2005 आपका क्या है, आपका प्रीवियस ईयर है, और 2006 आपका करंट ईयर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये वाला फॉर्मूला क्यों अपन ने लिखा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 साल का डेटा गिवन है। जब भी 2 साल का डेटा गिवन होता है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब 1 साल का 1 साल का डेटा गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है। ये वाला मैंने आपको 10 बार समझा दिया है, तो मैं ये लास्ट बार समझा रही हूँ कि जब 2 साल का गिवन होता है डेटा तब आपको ये वाला अप्लाई करना है। तो 2 साल का डेटा गिवन है तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर आपका कितना प्रॉफिट था, पहले देखिए प्रीवियस ईयर आपका प्रॉफिट था, लॉस था आपका, प्रॉफिट नहीं था, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस। करंट ईयर कितना है, करंट ईयर आपका 19,000 है, अपॉन चेंज इन सेल, पिछली साल कितना ईयर कितना सेल्स थी, 2,52,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2,52,000। करंट ईयर सेल्स कितनी है, करंट ईयर सेल्स है आपके 3,57,000। इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें से क्या लेस करना पड़ता है, करंट ईयर, चाहे वो प्रॉफिट होता है तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सेल्स है तो नीचे सेल्स लिखेंगे, इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो 16,000 प्लस 19,000 कितने हो जाते हैं आपके 35,000, पर 35,000 क्या आता है, 35,000 आपका माइनस का, ठीक है। अब देखो 2,52,000 में से लेस करेंगे 3,57,000, तो क्या आता है 1,05,000 रुपीज़, ये भी माइनस का, इंटू 100। जब इसे सॉल्व करते हैं 35,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100, तो ये आता है आपका 33.33%। ये आपका क्या आ गया, पीवी रेशियो। दूसरा क्या आपको क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का आपका फॉर्मूला बताया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखो यहाँ फिक्स कॉस्ट कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इन रुपीज इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आप 2 तरीके से कैलकुलेट करते हो, जब अगर आप 2005 का डेटा लेते हो तो भी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी, अगर 2006 का डेटा लेते हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। तो अपन लेते हैं 2006 का डेटा लेते हैं, ठीक है, 2 लाख सेल्स इन रुपीज़, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स इन रुपीज़। तो सेल्स कितनी है 2006 में, सेल्स है आपके 3,57,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3,57,000 इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है, 33.33% माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस ईयर का लेंगे, जिस ईयर का आपने लिया है, 2006 में कितना प्रॉफिट है, 19,000, तो मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, 19,000 यहाँ ले रही हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखें 3,57,000 इंटू 33.33% माइनस 19,000, तो कितना आ रहा है आपका, 1,00,000 रुपये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, जब अपन कौन से ईयर का ले रहे हैं, 2006 का ले रहे हैं तब। अब अपन 2007 का भी लेके देख लेते हैं, तो सॉरी 2005 का भी लेके देख लेते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आती है। तो सेल्स इन रुपीज, सेल्स कितनी है 2005 में, सेल्स है आपकी 2,52,000, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 2,52,000 इंटू पी वी रेशियो 33.33% माइनस प्रॉफिट। पर यहाँ क्या है, यह क्या है, यहाँ लॉस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐड हो गया, ऐड 16,000 रुपीज़। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2,52,000 इंटू 13.33% प्लस 16,000, तो क्या आ रहा है, वही आपका 1,00,000 आ रहा है। तो आपको एक बार फिक्स कोई सा भी ईयर
से आप कैलकुलेट करते हो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 1,00,000 रुपये आ गई। तो और पीवी रेशियो आपका 33.33% है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं, 1,00,000 / 33.33%, तो क्या आ रहा है आपका 3,00,000 रुपये। तो 3,00,000 रुपये क्या आई है आपकी, बीपी आई है। देखो बीपी कितना है, 3,00,000, पीवी रेशियो 33.33% आएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है जब आपकी सेल्स कितनी हो, 2,70,000 हो। देखो प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है जब सेल्स 2,70,000 हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे वही, सेल्स इन रुपीज, कितना गिवन है आपको सेल्स, 2,70,000 लिख दिया। पीवी रेशियो पे अपन ने कैलकुलेट किया था 33.33%, और फिक्स कॉस्ट कितनी आपकी, 1,00,000 रुपये, जो अपन ने अभी कैलकुलेट करी थी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2,70,000 × 33.33% माइनस 1,00,000 रुपये, तो कितना आ रहा है आपका, आपका आ रहा है 10,000 रुपीज आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है, माइनस में, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है ना कि प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लास्ट है फोर्थ, न्यू सेल्स आपको क्या करना है कैलकुलेट। तो न्यू सेल्स आपको कैलकुलेट करना है जब आपको प्रॉफिट कितना गिवन हो, 25। जब भी प्रॉफिट गिवन होता है इसका मतलब क्या होता है, आपको डिजायर प्रॉफिट गिवन है। तो डिजायर प्रॉफिट की जगह लिख दो 25,000, फिक्स कॉस्ट आपको 1,00,000 आई थी अभी, और पीवी रेशियो 33.33%। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1,25,000 / 33.33%, तो 3,75,000 आपका आंसर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में थोड़ी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि है ना वीडियो बड़ी हो जाती है, वीडियो कोई देखता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट है, क्योंकि आपको बस एक डाउट इसमें हो सकता है, जब भी आपको प्रॉफिट गिवन होता है और आपको सेल्स पूछता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको डिजायर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको डीपी गिवन होती है, तो ये डीपी गिवन थी, इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से थर्ड वाला अपन ने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।